तो आज हम बनाएंगे 200 रुपए में 200 पनीर मोमोज और इन्हें करेंगे हम मार्केट में सेल। देखते हैं आज हमें कितने का प्रॉफिट होता है। तो ये है 20 रुपए की पत्ता गोभी, 100 रुपए का पनीर, 20 रुपए की सोयाबीन और 20 रुपए का मैदा, जिसके बाद मम्मी बनाती है मोमोज वाली चटनी और यहाँ मैं करता हूँ पनीर की घिसाई। फिर इसमें 10 रुपए का ऊपर से हरा धनिया भी डालता हूँ और अब ये मोमोज वाली चटनी भी बनके तैयार है और ये मोमोज की स्टफिंग भी, जिसे पहले तो आप उन्हें टेस्ट करके बताता है। एकदम बढ़िया है गुरु। अब यो आ गयो मैदा और इसे एक ही बार बेलने में गिलास से 12 छल्ले बना डालते हैं। ये लो बन गए एक ट्रे में टोटल 27 पीस। अभी ने एक एक करके करते हैं फटाफट स्टीम। अभी हमारे पहले ग्राहक भी आ गए और यहाँ 20 रुपए में बौनी भी हो गई। अब चलो भैया मार्केट इन्हें बेचने। लेकिन आज हमारी शॉप में है गर्मा गर्म पकौड़ी, नेपाल के चौचाऊ और वो गर्म हो रहे मेरे मोमोज। मगर जब तक अपने ही मोमोज न लपेटो तब तक ग्राहक ही नहीं आते और रात होते ही सारे मोमोज भी बिक जाते हैं। बस ये इतनी सी पकौड़ी बची है और साथ में एक बाहुबली मोमो, जिसके तीन हिस्से बना के एक तो अपुन ही लपेटता है। लेकिन आज हमें पनीर मोमोज में कितने का प्रॉफिट हुआ भैया? प्रोफाइल में टैप करके वीडियो में पहला वीडियो देखो।